जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी पड़ी है पट कथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, छल से है जो भरा वही सुपात्र है। माँ नर्मदा जो माँ कहलाती है उनका आशीष उनका अंचल जबलपुर वासियों को लगातार मिलता है और उन्हीं का आशीर्वाद से हम फलित और पोषित होते हैं। लेकिन माँ नर्मदा का एक ऐसा किनारा जो उनके आशीर्वाद से अछूता है, वो अपने पानी से अपने जल से लोगों को पवित्र करती हैं पाक करती हैं। लेकिन उसी माँ नर्मदा के किनारे उन्हीं के बच्चे जो रह रहे हैं वो परेशान हैं पीड़ित हैं पिछले कई दिनों से। पलपल इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुँच चुकी है एक ऐसे वार्ड पर गौरीघाट के, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाली बजबजा रही हैं, साम्राज्य लगा हुआ है। जो कहा जाता है नगर निगम कहता है कि भैया हमने नालियों के लिए इतना रुपए सेंक्शन किया, इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए फला फला नाली के लिए सेंक्शन हुए। क्या वो नाली की दरकार, क्या वो विकास की प्रगति दिखाई पड़ती है? ये सड़कें जो देख रहे हैं आप, ये समुद्र के रूप में एक पानी के रूप में एक नाले के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरलता सी बात है कि अगर आप अपने घर में हैं तो आप अपने घर की सफाई ज़रूर करते होंगे, और इतने समझदार और बुद्धिजीवी आप हैं कि जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर साफ़ सुथरी जगह में ही रहना पसंद करते हैं। कितने बार पैर गीले होते हैं आप यहाँ से? दिन में कम से कम 50 बार। दिन भर का देखिए, हमारे सामने दीवार बनी हुई है, पूरा जो भी आता है यहाँ से पूरा छिट्टा पूरा गंदगी में चला जाता है। इसके लिए शिकायत आपने 50 बार शिकायत कर चुके हैं। क्या कहते हैं लोग? बोलते हम करवाएंगे करवाएंगे, बस करवाते रह रहे 15-16 साल से, यही देखते रहे। वोट मांगने आके फिर उस पर जो उनका जो खत्म हुआ बस, मतलब वोट के बाद देखते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई देखते नहीं। यहाँ की जनता मर गई है कि जिंदा है? अच्छा, हाँ, कोई भी मेंबर हो, हाँ, ऑलराउंड। तो अभी जो वर्तमान में उनसे आपने शिकायत करी? बिल्कुल। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, कर देंगे मैं हो जाए वोट है, उसके बाद में फिर दोबारा शकल नहीं देखने यहाँ वालों की, कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई। आज तक 15-16 सालों में ही नाली बन पाई है आज तक? कुछ नहीं, नहीं। रोड नहीं बन पाई, रोड भी नहीं बन पाई, बिल्कुल नहीं। ये तो खन्ना साहब ने अपनी परेशानी की वजह से और रेलवे वालों ने इजाजत दी है, जब जाके ये रोड थोड़ी सुधरी है उसके बाद में फिर वही हाल। अरे नहीं माता जी, पैर पड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उतनी टाइम, उसके बाद में कुछ नहीं, आते ही नहीं है तो सवाल ही नहीं है। माता जी, राहत नोरी साहब का बहुत अच्छा शेर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, जो तौर है दुनिया का उस तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो आप युवा हैं, आपकी दाढ़ी भी है, क्या आपने जोर से बोलने की कोशिश नहीं करी कभी? मैंने लिखित में कंप्लेन नगर निगम में दी है, नगर निगम में कंप्लेन दी, वहाँ से जब आए वहाँ के लोग यहाँ के लिए, तो जब वहाँ के लोग आए कर्मचारी नाली बनाने के लिए, तो रेलवे के लोग आ गए, बोले जी रेलवे की जमीन है, रेलवे का पाइप डला है। अच्छा। इसीलिए हम यहाँ से नाली नहीं बनाने देंगे। रेलवे का किस तरह का पाइप डला हुआ है यहाँ? रेलवे का जो गोल वाला पानी का पाइप होता है ना, प्लांट डला है वो, यहाँ से जो स्टेशनों में जाता है, रामपुर में जाता है वहाँ फिल्टर होके, गोरखपुर जाता था, मदन महल जाता और बड़े स्टेशन जाता, उसका पाइप डला यहाँ से। तो वो कहते पाइप डला, इसीलिए यहाँ से आप नाली नहीं कर सकते। तो कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था करी जा सकती है, इसीलिए इस तरफ से उनसे कहा कि भाई इधर से नहीं तो इधर से बना दो। बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद फिर नगर निगम के कोई लोग भी नहीं आए। मैंने लिखित में कंप्लेन पूरे अपने इलाके के लोगों से लिखित में कंप्लेन की है। किसके पास गए थे आप नगर निगम में? नगर निगम में जो जोन का अधिकारी होता है ना, उनके पास गया था। कमिश्नर पास, साहब के पास कभी दरखास्त लगाई आपने? कमिश्नर के पास नहीं लगाई थी, लेकिन अब चाहते हैं कि हम लगाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, जरा सा देख रहे हैं पानी गिरने पे। कहा जाता है हेल्पलाइन नंबर आपने सुनी होगी 181, कभी उसमें कंप्लेन करने की कोशिश तो नहीं की है कंप्लेन? क्योंकि अब देखो जैसा है कि जितने लोग हैं अभी हम लोगों ने, आगे वो ब्लू है, उनके भी बहुत से लोग आए थे, तो उन लोगों ने भी किया, कई बार मीडिया के लोग भी आए, लेकिन कुछ नहीं हो पाता जी। हर बार सिर्फ आश्वासन, बस आश्वासन बार सिर्फ दे के आदमी चला जाता है। आज हम लोग 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ ना कोई रोड है ना कोई नाली है। अगर रोड कहीं बनाने को पार्षद को बोलो तो वो बोलता रेलवे में आती है, और रेलवे वाले बोलते हैं बोले हम अपने हिसाब से करेंगे, तो वो दो मत के उसमें काम हो ही नहीं पाता। कैसे जाते हो आप? कभी गिर जाओ, परेशानी हो जाए कुछ, तो कभी ऐसा? हाँ, वो तो होता है। तो कुछ कहना चाहोगे जो अधिकारी देख रहे हैं, कर्मचारी देख रहे हैं, आला अफसर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि बच्चे हैं और बच्चों का भविष्य आप में बसता है, आपकी कलम में बसता है। शायद आप
हस्ताक्षर बन जाए इन बच्चों के भविष्य का, अगर आप इन नालियों का, इन सड़कों का निर्माण सलीके से करा पाएं, तो बेटा क्या कहना चाहोगे अधिकारियों से? मैं क्या कह सकता हूँ उनसे, निवेदन ये कर सकते हो कि सड़क बनाएं, नाली बनाएं? ये तो मैं कहूँगा जरूर, क्योंकि यहाँ बहुत परेशानियाँ होती है, घर में भी पानी हो जाता है, कुछ लोग ऐसी नाली बना बना के काम चला रहे हैं। ये कृत्रिम नाली आप ही ने बनाई है? हाँ, ये हम लोग ने बनाई है। तो ये नाली का पानी जाता कहाँ है भाई? नाली का पानी हम लोग इस वाली नाली में पानी में शिफ्ट करते। अच्छा, ये नाली आधी यहाँ तक बनी हुई है? ये किसकी नाली बनी हुई है यहाँ तक? ये सामने वाले प्लाट वालों की बनी हुई। अच्छा, ये किसका प्लॉट है यहाँ पे? और ये व्यक्तिगत रूप में उनने बना रखा है? हाँ। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप में प्लॉट बनाया? हाँ, उनकी नाली है ये? हाँ। तो इस नाली की निकासी देखिए, आप सभी को मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, नाली देखिए बनी हुई है लेकिन बाकायदा उसमें फेंसिंग कर दी गई है, तार लगा दी गए हैं, लेकिन आगे चल के नाली में देखेंगे आप यहाँ घर बना हुआ है। भैया, अगर आप रेलवे वाले जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि नाली नहीं बनाई जा सकती, तो ये नाली कैसे बन गई यहाँ भाई साहब? ये नाली अगर इस क्षेत्र में बनी है तो आपकी पाइपलाइन कहीं ना कहीं इसके नीचे होगी। क्या नाली की खुदाई 20 फीट अंदर तक होती है क्या? 1.5 फीट 2 फीट तक होती है, यही कॉमन सेंस कहता है भाई साहब? नाली इससे गहरी नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशासन के लोग जो देख रहे हैं उनसे क्या कहेंगे आप, क्या गुजारिश करेंगे? बस इतना ही है कि गरीबों की थोड़ी सी हेल्प हो जाए कि रोड बन जाए और नाली बन जाए, तो अपनी सुविधा पूरी तैयारी यही है। मगर अब जब सरकार ही नहीं सुनेगी तो फिर मजदूर बेचारे क्या करेंगे? फिर क्या तो बस वही बाल्टियों से उठा उठा के दाएं बाएं यहाँ फेंकना, वहाँ इन लोग मना कर दी हैं तो पीछे बनी है कि जब मैदान डाला वहाँ फेंकते हैं, कल के लिए वहाँ मैदान में कोई भी यानी प्लाटिंग करेगा तो ऑब्जेक्शन तो उठाएगा ही। हमारी कोई समस्या नहीं है, हो रही हल ना, कोई सुन रहा है। देख सकते हैं ये वो सड़क है जो इस वक्त एक तालाब नुमा नदी के रूप में तब्दील हो चुकी है, एक तालाब के रूप में तब्दील हो चुकी है, जहाँ से लोग रोज़ाना गुजरते हैं, जहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी कहीं ना कहीं 1.5 से 2 हज़ार तो होगी ही, जहाँ 500 से 700 लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं। देख सकते हैं एक भाई साहब लाइट चमकाते हुए अपनी स्कूटी में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी रुख बदल लिया क्योंकि पानी की दिशा जो है कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी की थी। तो भाई साहब, आप इस रास्ते से रोज़ाना गुजरते हैं? रोज़ाना गुजरते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। पेट्रोल बंद कर लीजिए, बड़ा महंगा है भाई साहब, बड़ी स्थितियाँ ख़राब हैं हर जगह। हाँ बताएँ, यहाँ से आना जाना तो होता है सर, काफ़ी बार गिरे भी हैं, एक दो बार एक्सीडेंट भी हो गया, और यहाँ पे मतलब देखभाल भी कोई नहीं करता, ऐसी गड्ढे में लोग आ रहे जा रहे अपने में मस्त हैं, और यहाँ के पार्षद भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने कभी और पार्षद के ऊपर 181 में कॉल करने की कोशिश करी है? नहीं करे, नहीं करे सर, क्या है कि हम अपने काम से व्यस्त रहते हैं, हमको टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा, या मेरे को हफ्ते में एक आध बार आना जाना पड़ता है इधर से बस। लेकिन आपको अपने हक के लिए, आपका वोट चूँकि आप देते ही होंगे, तो हक के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, वरना कैसे काम चलेगा? बोलेंगे सर, जाएंगे पार्षद के पास, बोलेंगे, अपील करेंगे। अभी हमारी पलपल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? यही करना चाहेंगे कि यहाँ पर रोड का थोड़ा सा निर्माण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग, आम जनता बड़ी परेशान है, यहाँ पे एक्सीडेंट आए दिन यहाँ पे गिरते पड़ते रहते हैं लोग। कोई ऐसी घटना जो देखी हो, चोटिल हुआ हो कोई व्यक्ति? हाँ, एक दो चक्कर तो हम खुद गिर चुके हैं यहाँ पे जी, हाथ पे भी हमारे बहुत चोट लगी थी। कोई देखने सुनने वाला नहीं? नहीं है सर, यहाँ पे कोई बिल्कुल दिखता है, दिखना चाहिए ये भी कि यहाँ पे लोग कितना परेशान है, और मतलब लोग बोल नहीं पाते क्योंकि यार लोग अपने में व्यस्त हैं, आप रोजी रोटी कमाने में। का कौन सा ये वार्ड लगता है, कौन सा ये क्षेत्र है जो कहा जाता है? सुख सागर ब्लू। कब प्रशासन के अधिकारी, कब सरकार के जिम्मेदार आला दर्जे में कुर्सियों में बैठे हुए लोग अपनी आँखें खोलेंगे और उन खुली हुई आँखों से देख पाएंगे कि लोगों की परेशानियाँ ही सबसे ज़्यादा हैं, ना कि हमें सत्ता में काबिज रहना सबसे ज़्यादा है, ना ही हम अपनी उलझनों में घिरे रहें, बल्कि इन उलझनों को जो बेसिक हैं, जो कही जाती हैं मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं इंसान की, सड़क, पानी और नाली, ये मूलभूत आवश्यकताओं में आती है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति कब तक हो पाएगी ये भी जानने और समझने वाली बात होगी। लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि आप सतर्क हो जाएं, और आप जितने भी लोग हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी आवाज़ उठाएँ, अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाएं, और शॉर्ट वीडियो बनाकर नगर निगम स्मार्ट सिटी को टैग करें, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जितनी भी स्मार्टनेस है वो सिर्फ होर्डिंग्स और कागज़ों में दिखाई पड़ रही है। फिलहाल तो पलपल इंडिया की टीम हर कोनों से वाकिफ कराती रहेगी आप। साईं मंदिर जाने वाला जो रास्ता था, वहाँ पर जो अपार्टमेंट बना हुआ है और आसपास में रहने वाले लगभग 1000 परिवार ऐसे हैं जो उससे प्रभावित हो रहे थे, वो रेलवे और नगर निगम के बीच की जो ज़मीन थी जिसमें रास्ता बनना चाहिए और पानी की निकासी नहीं थी, जिसके कारण रोड पे पानी बढ़ जाता था, गड्ढे हो जाते थे,
उस सारे विषय को लेकर एक मेमोरेंडम वहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों ने मुझे दिया था, और मैं आगामी समय में रेलवे के अधिकारियों से मैंने उसी दिन बात कर ली थी, अब रेलवे के अधिकारियों से पर्सनली मिलकर और नगर निगम के बीच का सामंजस्य बनाते हुए उन लोगों के लिए सुविधाएं हों, वहाँ पर सड़क अच्छी हो, नाली बन जाए, तो दोनों विभागों से मैं बातचीत कर सामंजस्य बनाकर रास्ता निकाल रहा हूँ। और मेरा पूर्ण प्रयास ये रहेगा कि वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, हर प्रकार की सुविधा उनको भी वहाँ पर प्राप्त। वहाँ के लोगों ने कई वर्षों से लोग परेशान हैं, मुझे उन्होंने बताया, कई सीनियर सिटीजन्स मिले जो कई वर्षों से परेशान हैं, मेरे समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी है, और चूंकि रेल बोर्ड मेंबर होने के नाते मैं निश्चित तौर पर उनकी सुविधाएं कैसे हो सकती हैं और उच्च अधिकारियों से बात कर जल्द ही उसमें कोई ना कोई निराकरण कराता हूं। तक देखते रहिएगा पल पल इंडिया न्यूज़। कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ प्रखर पांडे की रिपोर्ट।